1818 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बीच 1818 के सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा का निर्धारण किया गया। 1935 में आज ही के दिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सशस्त्र बलों का विशाल लंबा मार्च खत्म हुआ था। ये मार्च करीब एक साल पहले शुरू हुआ था। इस लंबे मार्च के द्वारा माओ से तुंग ने चीन की गद्दी पर काबिज होने की शुरुआत की थी। 1944 में आज ही के दिन सोवियत सेना और युगोस्लो पार्टीनिनस ने युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड को स्वतंत्र कराया था। साल 1973 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में ओपेरा हाउस को पहली बार जनता के लिए खोला गया। वास्तुकला के इस बेहतरीन नमूने का उद्घाटन क्वींस एलिजाबेथ द्वितीय ने किया। इसके निर्माण में करीब 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत आई। 2011 में आज ही के दिन लीबिया में हुए गृह युद्ध में राष्ट्रीय संक्रमणकालीन परिषद के विद्रोही बलों ने गद्दाफी के गृहनगर पर कब्जा किया। इसके बाद गद्दाफी को अवदस्त कर उसे बाद में मौत के घाट उतार दिया गया था।